हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बिंदु भाटिया। आज की वीडियो में हम उन बीमारियों के बारे में जानेंगे जो कि ना तो हमें किसी इन्फेक्शन से होती हैं और ना ही ये बीमारियां हेरिडिटरी हैं। इन बीमारियों को हम अपने आप खुद ही अपने लाइफस्टाइल, अपने रहन सहन के तरीके से ले लेते हैं। ये बीमारियां किसी भी एज में हो सकती हैं और किसी भी जेंडर को हो सकती हैं। ये बीमारियाँ हमें अपने रहने सहने के तौर तरीके और खान पान से होती हैं। इन बीमारियों को कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ेस। इन सब बीमारियों का मेन रीज़न जो है वो है अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़ और अनहेल्दी फूड हैबिट्स। इन सब कारणों से आजकल जो बीमारियां बहुत ही कॉमन हैं उसमें हार्ट डिजीज़ेस सबसे पहले, उसके बाद हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़, थायराइड, PCOD, कोलोन कैंसर, आर्थराइटिस, क्रॉनिक लीवर, मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम, क्रॉनिक रीनल फेल्योर, ऑस्टियोपोरोसिस और डिप्रेशन है। इन बीमारियों के कुछ लक्षण या सिम्टम्स भी जान लीजिए। डाइजेशन प्रॉब्लम, जिसमें कॉन्स्टिपेशन है, अपसेट स्टमक, इरिटेबिलिटी, हेडेक, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, फीलिंग हेल्पलेस, लो एनर्जी, एक्ने, पिंपल, इंक्रीज इन बॉडी वेट। फ्रेंड्स, अब तक हम यह समझ गए होंगे कि लाइफस्टाइल डिजीज़ेस का मेन कारण, मेन रीज़न है अनहेल्दी फूड हैबिट्स। यानी कि दोस्तों, अगर हम इन बीमारियों कि रीज़न को ही ठीक कर दें तो सोल्यूशन हमें अपने आप ही मिल जाएगा। यानी कि अगर हम अपना खान पान ठीक कर लें, इन बीमारियों को ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन से ज़्यादा हमें अपनी हेल्दी हैबिट्स को, जो हेल्दी फूड हैबिट्स हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत है। यानी कि जो हमारी हेल्दी फूड हैं वही हमारी मेडिसिन है इन लाइफस्टाइल डिजीज़ेस के लिए। फ्रेंड्स, हमारा खाना, हमारा फूड 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले एनिमल फूड, जिसमें आते हैं कि आपका चिकन, आपका ये मीट, एग्स और मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स। और दूसरी तरह का खाना जो हम खाते हैं वो है प्रोसेस्ड फूड, जिसके अंदर है जंक फूड। जंक फूड में बर्गर, ब्रेड, पिज़्ज़ा, ये सब बहुत ही कॉमन है, सॉफ्ट ड्रिंक्स। और तीसरी तरह का जो खाना हम लेते हैं वो है प्लांट फूड, प्लांट बेस्ड फूड, जिसके अंदर आते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हमारी दालें, लेग्यूम्स, ये सब। अब हम इन फॉल्टी लाइफस्टाइल्स से की वजह से जो हमारी बॉडी में सेलुलर लेवल जो है हमारी बॉडी का, उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। जब ये टॉक्सिन्स बढ़ते हैं तो जो हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स है सबसे पहले उन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अब ये आप सोचेंगे कि वाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। वाइटल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में जिनके बिना हमारी लाइफ संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। वो है हमारा हार्ट, लंग्स, लीवर, पैनक्रियास, कोलोन। तो इन सब के बिना हमारी ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। और ये जो बीमारियाँ हैं सबसे ज़्यादा इन्हीं को इफ़ेक्ट करती हैं। अब टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जब बढ़ जाते हैं तो हमारी बॉडी का अल्कलाइन और एसिडिक लेवल में संतुलन बिगड़ जाता है। और इसके कारण जो हमारा है बॉडी में एसिडिक लेवल बढ़ जाता है। एसिडिक लेवल बढ़ने से जो हमारी बॉडी में असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी हो जाती है, उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे कि हमारा एनर्जी लेवल भी कम हो जाता है। अब जो एनिमल फूड है वो हमें मेनली एनिमल्स के थ्रू मिल रहा है। एनिमल्स में जो एनिमल फूड है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन होते हैं और विटामिन बी होते हैं। तो जिससे क्या होता है कि हमारी जो मसल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, हमारा जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप एनिमल फूड, चिकन, मीट, स्पेशली रेड मीट आप अगर रेगुलर लेते हैं तो आपको हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और जो प्रोसेस्ड मीट होता है उसमें सोडियम की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें जो है क्रॉनिक रिस्क
बढ़ जाता है और मीट खाने वालों की जो है उनमें कैंसर की संभावना भी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा जो मीट खाने वाले होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनमें कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होने लगती है और ज़्यादातर जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो दोस्तों फ्रेंड्स, हमें जो है अपना ये नॉन वेज को अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उन्हें भी अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए किस तरह से साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली, टेक्निकली कोई भी इंसान या कोई भी जानवर, अगर मतलब मैमल्स में मेनली जो मिल्क प्रोडक्शन है वो प्रेगनेंसी के बाद लैक्टेशन पीरियड में ही होता है। सिर्फ लैक्टेशन पीरियड में ही मिल्क प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी है, लेकिन आजकल जो है इसकी मिल्क की कंजम्पशन बढ़ गई है, डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ गई है, तो इसकी वजह से बिज़नेस बढ़ने की वजह से, डेयरी प्रोडक्ट्स का बिज़नेस बढ़ने की वजह से गाय भैंसों को इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। अब जो इंजेक्शंस में क्या डालते हैं, ऐड करते हैं हार्मोन्स, और इन एडिड हार्मोन्स की वजह से हमारी बॉडी को, जब हम ये डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं उनका भी बैलेंस बिगड़ जाता है, स्पेशली जो थायरोक्सिन हार्मोन है और इंसुलिन हार्मोन है। इस तरह से हमें बहुत सी बीमारियां होने लगती हैं जो कि मेनली हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं। अब मिल्क से क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जिसमें है मेनली जो मिल्क की वजह से होती हैं उसमें हड्डियाँ टूटना शुरू हो जाती हैं, ब्रोकन बोन्स शुरू हो जाती हैं, और आपका जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो हो जाता है, एक्ने हो जाता है, ओवेरियन कैंसर हो जाता है, मिल्क से एलर्जी होने लग जाती है और हमारा वेट गेन होता है, और इसमें प्रोस्टेट कैंसर की भी संभावना बढ़ जाती है। अगर आप एनिमल मिल्क की जगह प्लांट बेस्ड मिल्क यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके भी आप देखिए, आप कोकोनट मिल्क यूज़ कर सकते हैं, आलमंड मिल्क यूज़ कर सकते हैं, आजकल ओट मिल्क है और कैश्यू मिल्क है, इन सब को आप यूज़ करिए। ये सारे सोया मिल्क हैं, इन सब में जो है आप मिल्क की खपत को पूरा कर सकते हैं, मिल्क की जो आपकी रिक्वायरमेंट है इन सब को पूरा कर सकते हैं। जिस इसके साथ इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता, कोई इंजेक्शंस यूज़ नहीं हो रहे, कुछ इसमें हार्मोन्स यूज़ नहीं हो रहे, ये आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल सेफ़ है। अब एनिमल जो फूड है उससे में हाई प्रोटीन होते हैं, लेकिन आप देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनसे कि आप, जिनमें कि चिकन से भी ज़्यादा आपको प्रोटीन्स मिलेंगे, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ओट्स, चीज़, योगर्ट, ब्रोकली, ये सब जो हैं इनके अंदर ग्राउंड नट्स, और हमारा जो है अगर आप स्प्राउटेड चने खाएं, बादाम खाएं, राजमा खाएं, इन सब चीज़ों में नॉन वेज से भी ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो एक आपको ये सब चीज़ों का जो नॉन वेज का एक सब्स्टिट्यूट मिल सकता है। अब प्रोसेस फूड के बारे में जानिए। प्रोसेस फूड क्या होता है? जंक फूड, जिसके अंदर मफिन्स हो गए, फ्रेंच फ्राइज़ हो गए, ब्रेड हो गई, पिज़्ज़ा हो गए, बच्चों में ये बहुत कॉमन है कि इनको जंक फूड ही बहुत पसंद है। अब इन सब फूड्स को खाने से क्या होता है, जो नाइट इन फूड इन इस तरह के जो फूड में नाइट्रेट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, फैट्स बहुत ज़्यादा होता है, शुगर और सॉल्ट, और सॉल्ट की मतलब सोडियम, सोडियम बहुत एक्सेस अमाउंट में होता है, क्योंकि सोडियम जो है वो एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है ताकि जो ये जंक फूड है लंबे समय तक ख़राब ना हो। अब जो जंक फूड हैं उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए, इससे कई बीमारियां होने लगती हैं जैसे कि हेडेक, डिप्रेशन, एक्ने, दांतों की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट डिजीज़ होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ज़्यादा जंक फूड खाने से मोटापा, ओबेसिटी होने लगती है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, और डायबिटीज़ हो जाती है, और PCOD आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अब मैं आपको जंक फूड का भी एक हेल्दी सब्स्टिट्यूट बताती हूँ कि आप कैसे जंक फूड को हेल्दी अल्टरनेटिव ढूंढिए। इसके अंदर आप पोटैटो फ्रेंच फ्राइज़ की जगह आप रोस्टेड शकरकंदी ले सकते हैं, भुनी हुई शकरकंदी खाइए, और अगर आप पोटैटो चिप्स खाना चाह रहे हैं तो उसकी जगह आप केले के चिप्स खा सकते हैं,
और अगर आप कैंडीज़ वगैरह खाने के शौकीन हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स खाइए। कुछ बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद है, उसकी जगह आप योगर्ट लीजिए, और सॉफ्ट ड्रिंक की जगह आप लाइम वाटर लीजिए, फ्रेश जूसेस पीजिए, और भी बहुत सारे जंक फूड के सब्स्टिट्यूट्स हैं। आप भुना चना खाइए, आप रोस्टेड मखानास खाइए, पॉपकॉर्न से एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आप जंक फूड को इन सब चीज़ों से अवॉइड करिए और जंक फूड कम खाइए और इन सब चीज़ों का यूज़ करिए। अब एक और प्रॉब्लम है आजकल मेनली जेंट्स में कि जेंट्स को पान पराग खाना और पान मसाला, रजनीगंधा, दिलबाग, ये बहुत ही कॉमन नाम है जो ये पान मसालों के होते हैं। तो ये बहुत ही मतलब रेगुलर चबाने की आदत होती है कई लोगों को, तो इससे मेनली थ्रॉट कैंसर की ही प्रॉब्लम होती है। तो उसको अवॉइड करिए, आप अपना थोड़ा सा हैबिट चेंज करिए। हेल्दी हैबिट्स में आप इन सब चीज़ों की जगह सौंफ खा सकते हैं, इलायची खा सकते हैं, जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है, कोई नुकसान नहीं है, और आपका जो बार बार एक चबाने की जो आदत है वो भी बेटर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ह्यूमन जो बॉडी है वो मेनली लिविंग सेल से बनी होती है, और इसके लिए प्लांट फूड सबसे बेस्ट माना गया है। अगर आप वेजिटेबल्स खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, मतलब कि प्लांट बेस्ड वैरायटी जो है वो खाना आप खाते हैं, तो उसमें कहीं गुना वैरायटी ज़्यादा है एनिमल फूड और जंक फूड से। आप कई तरह की रेसिपी से कहीं आप इसको खा सकते हैं। अब जो लोग वेजिटेरियन हैं उनकी जो वो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, उनमें हेल्थ प्रॉब्लम्स कम होती हैं, उनकी इम्यून पावर भी अच्छी होती है, उनमें हार्ट डिजीज़ कम होती हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका सही रहता है, कैंसर की प्रॉब्लम्स कम होती हैं, इस तरह से उनका बॉडी वेट भी कंट्रोल में रहता है, और उनकी डाइट में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए उनकी उम्र भी लंबी होती है। इसलिए मैं ये इतना कहना चाहूँगी कि आप प्लांट बेस्ड फूड की तरफ जाइए, अपना थोड़ा रूटीन चेंज करिए। प्लांट बेस्ड फूड्स में हाई फाइबर होते हैं, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और फ्रूट्स और वेजिटेबल में भरपूर मात्रा में पानी होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि जो प्लांट बेस्ड फूड है वो हमें फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है, बहुत ही ताकतवर बनाता है। तो यकीन मानिए, अगर आप प्योर वेजिटेरियन होने का डिसीज़न लेते हैं तो ये आपकी लाइफ का, आपकी हेल्दी लाइफ का बेस्ट डिसीज़न होगा। थैंक यू।